मंगलवार शाम को जिले में मोमन बड़ौदिया तहसील के पदस्थ तहसीलदार नरेहिया वाहन से सीवान नदी की पुलिया पार करते समय तेज बहाव में बह गए। तहसीलदार नरेंद्र सिंह ठाकुर और नसरुल्ला गंज तहसील में पदस्थ पटवारी महेंद्र रजक सीहोर में अपने मित्र के फॉर्म हाउस पर पार्टी कर वापस शाहजहाँपुर आ रहे थे। रास्ते में सीहोर के समीप सीवान नदी पर बने करबला पुल पर पानी होने के बावजूद उन्होंने चौपाहिया वाहन से पुल पार करने की कोशिश की। इस दौरान पानी के तेज बहाव में वाहन का संतुलन बिगड़ गया और दोनों सीवान नदी में बह गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और होमगार्ड के जवान सर्चिंग कर रहे हैं। घटना की जानकारी लगते ही शाहजहाँपुर कलेक्टर दिनेश जैन भी सीहोर कलेक्टर से संपर्क साधे हुए हैं। लापता तहसीलदार और पटवारी की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।